हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टिचिंग विद रीना। फ्रेंड्स, आज मैं सिलाई से रिलेटेड 6 ऐसे टिप्स लेके आई हूँ जो आपकी सिलाई को और भी ज़्यादा आसान बनाएंगे। तो अगर जो आप भी सिलाई करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो सबसे पहली जो टिप्स है हमारी, वो है ये जो हमारा धागा है, जब हम सुई में धागा डालते हैं और यहाँ पर छोटा ही धागा होता है और हम सिलाई लगाना शुरू करते हैं तो क्या होता है, ये जो धागा है ये हमारा सुई से निकल जाता है और हमें बार बार डालना पड़ता है। तो हमें यहाँ पे सिलाई लगाने से पहले हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, जब भी हमें धागे को डालना है, धागे को डालने के बाद हमें यहाँ पे देखना है, ये देखिए ये जो ऊपर के साइड में यहाँ पे ये पत्ती होती है ये हमारी ऊपर नीचे होती है इस तरह से। तो हमें जब भी धागा डाल के सिलाई शुरू करना है तो हमें इसको ऊपर की साइड में रखना है, इस तरह से हमें इसे ऊपर की साइड में रख के ही धागा डालना है। जब ये ऊपर की साइड में रहेगी तो हम जब भी सिलाई लगाएंगे तो ये धागा हमारा निकलेगा नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको सिलाई लगा के भी दिखाऊंगी। ये मैंने कपड़ा लिया है और इस पर हम सिलाई लगाएंगे इस तरह से। और अब हम जब धागे को कट करेंगे तो हमें इसका ध्यान देना है कि ये हमारी ऊपर की साइड में ही होनी चाहिए और इसके बाद हम यहाँ पर धागे को कट करेंगे। तो अगर जो आप इसे नीचे की साइड में करके धागे को कट करेंगे तो जो धागा है हमारा वो निकल जाएगा। तो इस चीज़ का हमें ध्यान देना है, शुरू शुरू में थोड़ा सा आपको ध्यान देना पड़ेगा, उसके बाद जब आदत पड़ जाएगी तो ऑटोमेटिक ही ये आपसे ऊपर ही होके रुकेगा। अब जो दूसरी टिप्स है हमारी, वो है हमारी बॉबिन केस से रिलेटेड। तो यहाँ पर हम बॉबिन केस को निकालते हैं और ये जो प्रॉब्लम है ये बिगनर्स के साथ बहुत ज़्यादा होती है। जब भी कभी हम बॉबिन केस को भर के और यहाँ पे इस तरह से रखते हैं और हमें जब लगाना होता है तो ये ज़रा सी भी नीचे की साइड इसको करो तो ये जो बॉबिन है हमारी ये निकल जाती है। देखिए इस तरह से हम इसमें इसको सेट करके रखेंगे और यहाँ पे हम थोड़ा सा ही नीचे की साइड ऐसे करेंगे तो ये निकल जाएगी बॉबिन केस। तो हमें इसको इस तरह से नहीं करना है। यहाँ पर देखिए इस तरह से हम अच्छे से इसको सेट करेंगे, इस तरह से हमने धागे को अच्छे से सेट कर लिया। और इसके बाद जब हमें इसको बॉबिन को लगाना है तो यहाँ पे देखिए ऊपर के साइड में ये एक पत्ती होती है, ये वाली देखिए ये ऊपर नीचे होती है इस तरह से। तो हमें जब भी इसको पकड़ना है तो इस पत्ती को हमें ऊपर के साइड में करके पकड़ना है, इसको इस तरह से इसको पकड़ना है। जब भी बॉबिन केस लगाएंगे तो हम इस तरह से इसको पकड़ के ही लगाएंगे तो ये जो बॉबिन है हमारी ये बाहर के साइड निकलेगी नहीं, ये देखिए हिलाने पे भी ये नहीं निकलेगी। कुछ भी कर लो ये इस तरह से अगर जो हम इसको पकड़ेंगे तो ये बॉबिन केस बाहर निकलेगी ही नहीं। तो जब भी आप लगाएं तो इस पत्ती को ऊपर की साइड पकड़ के ही बॉबिन केस को लगाएं। और तीसरी जो टिप्स है वो भी हमारी बॉबिन केस से रिलेटेड ही है। अक्सर लोगों के साथ सबसे ज़्यादा यही प्रॉब्लम होती है कि जो नीचे की सिलाई है वो ढीली आती है। तो उसका कारण ये भी होता है, जो हमारी बॉबिन केस की पत्ती है ये ढीली हो जाती है। जब ये ढीली होती है तभी नीचे की सिलाई जो है वो ढीली आती है। तो इसके लिए आप कागज़ का या फिर बुकरम का इस तरह से छोटा सा पीस कट करके ले सकते हैं। रेक्टेंगल शेप में मैंने इसको कट करके लिया है और इसको हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और इसके बीच में एक हम छोटा सा कट लगा लेंगे। तो इस तरह से हमने यहाँ पे कैंची से ही छोटा सा कट लगा के ले लिया है। देखें इस तरह से हमने इसमें ये कट लगाया है और ये जो बीच में हमने कट लगाया है, अब जो हमारे बॉबिन केस का धागा है इसको हम इसके अंदर इस तरह से डाल के ले लेंगे। इसको मैंने ऐसे डाल लिया है और अब हम यहाँ पे बॉबिन के ऊपर इस तरह से इसको सेट कर लेंगे। तो अगर जो नीचे की सिलाई ढीली आ रही है तो आप इसको इस तरह से भी एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, इससे भी आपकी जो सिलाई है वो सही आने लग जाएगी। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे ये जो पत्ती लगी होती है इसको ऐसे पकड़ते हुए ही नीचे की साइड में सेट कर लेंगे, ये देखिए। और इसके बाद जो चौथी टिप्स है हमारी, उसके लिए जो हमारे घर में दवाई के रैपर पड़े होते हैं उनको मैंने लिया है, ये देखिए। और आपको ध्यान रखना है कि इस तरह से जब भी आपको रैपर लेना है तो जो हमारे एल्युमिनियम का रैपर होता है उसे ही लेना है। और जो हमारी सुई है ये चलते चलते कभी कभी घिस जाती है और हमारे पास दूसरी सुई नहीं होती है,
तो उसके लिए आप इसे ट्राई कर सकते हैं। इस तरह से हमें एल्युमिनियम का इस तरह से रैपर लेना है और कपड़ा लेना है। कपड़े के ऊपर हमें इसको रखना है और सुई में हमें धागा नहीं डालना है, सुई को हमें ऐसे ही रखना है और इस तरह से हम कपड़े के ऊपर ही रैपर को रखेंगे और इसके ऊपर हमें काफ़ी टाइम तक इस तरह से मशीन को चलाना है। इस तरह से ये देखिए काफ़ी टाइम तक हमने इसको इसके ऊपर इस तरह से चलाया है, ये देखिए। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए इसको जब हम निकालेंगे तो ये देखिए इस तरह से कुछ ये कपड़े में चिपक जाएगा। तो कपड़ा मैंने नीचे की साइड में इसीलिए रखा था जब हम इसके ऊपर सिलाई चलाएंगे तो इसके जो छोटे छोटे से टुकड़े हैं वो टूट के जो आते हैं वो हमारे कपड़े के ऊपर ही रुक जाएंगे। तो आपको भी इसी तरह से कपड़े के ऊपर रख के ही इसे चलाना है। और जो पांचवी टिप्स है हमारी वो भी हमारी ये जो हमारा दवाई का रैपर है इसी से रिलेटेड ही है। जो हमारी कैंची है कभी कभी बहुत कम चलने लग जाती है तो हमें क्या करना है, इसी तरह के रैपर जो होते हैं एल्युमिनियम के उन्हें हमें लेना है और इस तरह से उनको कट करना है। ये देखिए जो भी हमारी कैंची कम चलती है उसी से हम इस तरह से इसको कट करेंगे। छोटे छोटे पीसेस में हम इस तरह से इसको कट करते रहेंगे। ये देखिए जो भी हमारा रैपर था इसको हमने इस तरह से छोटे छोटे पीसेस में कट कर लेना है। ये देखिए इस तरह से। तो ऐसे जब हम इसको कट करेंगे तो जो हमारी कैंची है वो कम चलती है तो थोड़ा सा ज़्यादा चलने लगेगी, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट हाँ थोड़ा सा उसमें चेंज आएगा, थोड़ा बहुत ये चलने लग जाएगी। तो इस तरह से आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं। और जो हमारी छठी टिप्स है वो है जैसे कि हमारे पास जींस होती है तो जींस में हमें सिलाई लगानी होती है तो जो हमारी घरेलू मशीन होती हैं उनसे हमें इसी में सिलाई लगाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, सिलाई नहीं लगती। तो हमें क्या करना है, इसमें सिलाई लगाने से पहले हम कोई भी नहाने वाला साबुन जो होता है उसे ले लेना है और हम यहाँ पे जो हमारी सिलाई मशीन की सुई है इसके ऊपर हम इस तरह से रगड़ के लगा लेंगे। इस तरह से इसको अच्छे से लगा के चिकना कर लेना है। ये देखिए इस तरह से हम इसको लगाएंगे इसके ऊपर और जो हमारा धागा है धागे के ऊपर भी हमें साबुन को लगा लेना है जिससे हमारा धागा जो है वो भी चिकना हो जाएगा। ये देखिए इस तरह से मैंने धागे पे भी साबुन को लगा के ले लिया है। अब इसके बाद जहाँ पे भी आपको जींस की पैंट में सिलाई लगानी है वहाँ पे हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और इसमें आप देख सकते हैं सिलाई बहुत ही आसानी से लग जाएगी। ये मैंने यहाँ पे मुझे थोड़ा सा कमर से इसको टाइट करना था तो मैंने इस तरह से सिलाई लगा के इसको टाइट कर लिया है। ये देखिए तो आप जब इस तरह से सिलाई लगाएंगे ये आराम से आपकी जींस पे भी सिलाई लग जाएगी। तो आप इसे भी ट्राई कर सकते हैं और आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा कि कौन सा टिप्स आपको सबसे ज़्यादा अच्छा लगा। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी करिएगा। Thanks for watching my video.